हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दिस मॉडर्न मास्टर जी चैनल। मेरा नाम है किशोर जियाल एंड स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, आपको काफ़ी बच्चे इसको देख के ही पहले ही डर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा डिवाइड है और कोई नहीं यार, करना पड़ेगा। ठीक है, जब दे रखा है आपको तो ठीक है, और इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। वट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतना। यानी कि सिंपल यही पूछा है कि जो रिपीटिंग ब्लॉक है ना, जैसे कि हम बार लगाते हैं ऊपर, वो उसमें कितने डिजिट्स आएंगे। ठीक है, उस बार के नीचे कितने डिजिट्स आएंगे। परफॉर्म द डिविजन टू चेक योर आंसर। और अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आपको डिविजन करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सीधा इसमें डिविजन ही है। ठीक है, सो डिविजन इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस लगने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं 1 और इधर 70। ठीक है, 70 से हमको 1 को डिवाइड करना है, तो फर्स्ट टाइम तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट डाल के 0 हमें डालना पड़ेगा। अभी भी नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट डाल के 0 हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 100 हो गया हमारा, तो 100 हो गया, तो अब ये जाएगा 17 5 ज़ा। ठीक है, 17 5 ज़ा 85, जिसमें कि हमारे पास बचता है 15 रिमाइंडर। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने डेसिमल लगा ही रखा, तो ये हो गया 150, तो अब ये जाएगा आपका 17 8 ज़ा 136। ठीक है, 36, और ये आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद 36 और 4 40, और ये आपका हो जाएगा 14। ठीक है, और इधर फिर आपने 0 लगाया 17, फिर से आपको उतना ही करना पड़ेगा, 17 8 ज़ा 136। ठीक है, 8 अच्छे से बना, 136, अभी आपको बचा 4, और इधर आपने 0 डाला, 34 आपका आया, फिर उसके बाद अब आपके पास बचा 6, और इधर आपने 0 लगाया, सब आपका जाएगा 3 times। ठीक है, 3 times, फिर आपका बच गया यहाँ पर 9। अब इसको मैं ना इसके बाद 9 के बाद मैं इसको इस साइड परफॉर्म करता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका इतना बच गया, 9 बच गया यहाँ पर। इसके साथ मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ पॉइंट। ठीक है, 17 5 ज़ा, फिर से 85 हमारे पास आ गया, 85, फिर हमारे पास बच गया यहाँ पर 5 पॉइंट लगाएगा, फिर आपके पास यहाँ पर 2 times ये जाएगा। ठीक है, 34, फिर आपका बच गया उसके बाद 6 और 16। ठीक है, और 17 9 ज़ा 153। ठीक है, 7 बच गया आपके पास नीचे, और अब इसके बाद 7 से पॉइंट लगाया। ठीक है, 17 4 ज़ा 68, तो उसके बाद आपके पास बचता है यहाँ पर 2। अब 2 बचा है तो पॉइंट लगाया, तो 17 1 ज़ा, फिर आपका हो गया 17, और अब ये कितना बचा है इसके पास, इसके बाद आपके पास बचा है 3। सो 3 बचा है आपके पास, तो ये 30 हो गया। ठीक है, फिर ये 71 ज़ा ही जाएगा बस 1 ज़ा, और ये आपके पास बच गया फिर कितना, 13 बच गया, फिर इसके बाद 0 डाल के आपके पास कितना है यहाँ पर 13 और 7 ज़ा 119, और ये आपको बच गया उसके बाद यहाँ पर 11 बचा, और 0 डाला यहाँ पर, फिर आपका 6 ज़ा 102, फिर आपको बच गया 8, और यहाँ पर फिर 0 डाला, ठीक है 68, फिर आपको बच गया 12। ठीक है, 12 बच गया, और ये आपका 0 आपने यहाँ पर डाल दिया, एंड 0 आपने डाला 17 7 ज़ा 119। ठीक है, 17 7 ज़ा 119। अब आपके पास बच गया यहाँ पर वापस 1। ठीक है, और सेम यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके पास था 1, तो अब आप देखो, अगर आप इसे अब करोगे स्टार्ट, तो फिर से अब ये यहाँ से स्टार्ट शुरू हो जाएगा 0 5। ठीक है, सो अब आपको 1 है, तो अब आप एक बार आप, मैं 2-3 स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। 1 बचा है तो हम इसमें क्या डालेंगे, 1 0 डाल सकते हैं। अब हमें एक और 0 डालना है, तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, फिर 0 डाला, तो अब ये आपका हो जाएगा फिर 17 5 ज़ा 85, फिर आपके पास यहाँ पर कितना बचा 85, ये बचिए आपके पास 15, जैसे कि हमारा यहाँ पर बचा था। ठीक है, फिर हमने 0 डाला, तो ये कितना हो गया 17 8 ज़ा, फिर आपका जाएगा, ठीक है, 136, एंड फिर उसके बाद ये आपका बच गया 36, और ये आपको बच गया 14। तो अब आप देखो स्टार्टिंग में हमारा कितना रिपीट हो रहा है, इतना 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 इतना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ 058, तो फिर यहाँ से 058 आपका स्टार्ट हो गया। तो अब आप देखो कितना बड़ा ये यहाँ पर डिविज़न था। ठीक है,
सो बस ये है कि आपको ना इससे घबराना नहीं है, और कितने डिजिट के बाद ही हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नहीं इतना नहीं सॉरी सॉरी कहा था यहाँ तक था ना सेवन तक 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 डिजिट के बाद ये वापस रिपीट हो रहा है, तो अब आप देखो 16 डिजिट तक आपको इसे डिवाइड करना है। अब आप यहाँ से यहाँ तक ये पूरा और ये कहाँ तक, ये आपको करना है यहाँ तक, ठीक है, यानी कि ये आपका वन रिमाइंडर भी एटलीस्ट आएगा, और उसके बाद यहाँ तक आपको इसे डिवाइड करना है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आपको करके दिखाया। सो स्टूडेंट ईजी है, बस आपको क्या करना है, लगे रहना है जब तक आपका दोबारा रिपीट नहीं होता है, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।